हाय एवरीवन, दिस इज़ मी अली मिर्ज़ा। वेलकम बैक टू अवर चैनल लैपटॉप रिपेयर नाउ। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, ये हमारा डेल का लैपटॉप जिसका मॉडल नंबर है डेल 3558 सीरीज का ये लैपटॉप है जो हमें लैगिंग कर रहा है, स्लो हो गया है। हमारे एक फ्रेंड का लैपटॉप है ये। इसमें आज हम करने वाले हैं 256 GB का 60 SSD अपग्रेड करने वाले हैं, एंड इसमें और एक एक जो है सो आपको 8 GB PC3L RAM इंस्टॉल करने वाले हैं, जो इसमें 1 TB हार्ड ड्राइव और जो है सो 4 GB RAM कंपनी डिफॉल्ट आया है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जाते जाते चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो अंत तक जरूर देखें, लाइक करना ना भूले। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये इसके बैक साइड में ये बहुत इजी स्टेप है आपको, तो सबसे पहले क्या करना रहेगा बताओ, यहाँ पर बैटरी का एक लॉक रहेगा, लॉक प्रेस करना रहेगा तो आपको बैटरी अपसेट आ जाएगा। ये हम इसका बैटरी रिमूव कर लेंगे फर्स्ट। उसके बाद आपको जैसे यहाँ पे ऑप्शन रहेंगे स्क्रूज़ के, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप एक स्क्रू हमारे को मिसिंग है, तो यहाँ पर एक स्क्रू है, हम यहाँ का स्क्रू एक ओपन कर देंगे। ये स्क्रू इसका निकल गया है। उसके बाद आपको बेसिकली क्या करना रहेगा, एक छोटा सा ट्वीज़र ले लेके इधर से आपको इसको इधर से ओपन करना रहेगा। बेसिकली आपको ये ओपन हो गया है कवर। ईजी स्टेप है, आप घर बैठे ईजी कर सकते हैं ये। और हमने इसका SSD का और RAM का जो है सो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से जाकर भी परचेस कर सकते हैं। हमने किंगस्टोन, क्रूशियल और सैमसंग के ब्रांड के भी जो है सो इसमें लिंक दिए हैं, आपको जो पसंद आ रहा है वो परचेस कर सकते हैं इसमें से। तो अभी हम पहले क्या करेंगे बोले तो, ये इसका हार्ड ड्राइव का एक स्क्रू है यहाँ पर और एक एक यहाँ पर है, दो स्क्रू है खाली हार्ड ड्राइव में यहाँ पर। ये पुराना लैपटॉप है तो ऑब्वियसली इसमें कई बार रिपेयर भी हुआ है ये, तो इसमें स्क्रूज़ नहीं है, तो ये दो स्क्रूज़ के लगे हुए हैं। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर इसका एक लॉक रहेगा कनेक्टर का, ये कनेक्टर के लॉक को निकालेंगे, अब करेंगे तो ये ओपन हो गया है। ये आपको कनेक्टर निकाल के इधर से लॉक वापस कर देना रहेगा। उसके बाद हम जैसे हार्ड डिस्क को निकालेंगे बाहर, जैसा कि आप देख सकते हैं डेल लैपटॉप में तो शिबा हार्ड डिस्क कमाल है। इसको रख देंगे हम बाजू। उसके बाद हम करेंगे रैम, इसका DDR3 8 GB PC3L का है। हम इसका रैम ओपन कर रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं ये रहा रैम, सैमसंग ब्रांड का है, हमने सैमसंग सजेस्ट किया था, दूसरे भी कंपनी आते हैं और आप वो भी चेक कर सकते हैं। अभी हम इसमें साथ इसमें इंसर्ट करेंगे, ये हमारा फिक्स हो गया है रैम, अभी हम लॉक करेंगे, ये हमारा रैम लॉक हो गया है। उसके बाद हम करेंगे इसका SSD इसमें इंस्टॉलेशन, तो हम कर देंगे थोड़ा लैपटॉप को बाजू। उसके बाद हम करेंगे SSD का कवर ओपन, ये हम इसमें इंस्टॉल कर रहे हैं। PowerX का SSD है ये, जो हमें 5 ईयर्स वारंटी के साथ आ रहा है, देख सकते हैं आप यहाँ पर, यहाँ 5 ईयर्स वारंटी है और यहाँ पे आपको PowerX की ब्रांडिंग भी रहेगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें इसकी केसिंग ओपन कर लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे चारों के चारों स्क्रूज ओपन हो गए हैं, तो हम फर्स्ट इसका कनेक्टर निकालेंगे इधर हार्ड डिस्क का। इधर से आपको बेसिकली प्रेस करते हुए आपको कनेक्टर निकालना रहेगा, ये हमारा कनेक्टर निकल गया है। तो ऐसे ही हम सेम कनेक्टर जो है इसमें लगा देंगे, ये साटा की जगह साटा, पावर की जगह पावर, हम ऐसे ही सेम लगाएंगे इसमें फर्स्ट। तो हमें अभी सेम कंडीशन में लगा दिए हैं, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, हार्ड डिस्क को सेम कंडीशन में रखेंगे। उसके बाद हम इधर से हार्ड डिस्क निकालेंगे, इधर पुराना वाला हार्ड डिस्क निकाल के हम इसमें SSD जो है सो फिक्स कर देंगे। ये हमारा SSD इसमें लग गया है, अभी हम उसके वन बाय वन इसके स्क्रूज फिक्स करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं इसका SSD इसमें फिक्स हो गया है केसिंग में पूरा। अभी हम वापस से इसको लैपटॉप को इधर ले लेंगे, उसके बाद हम बेसिकली इधर ये इसका केसिंग लगाएंगे, इधर नॉचेस में लगा के हम ये केसिंग इधर बिठा देंगे इधर। ये इसमें बैठ गया है वो हमारा। उसके बाद हम क्या करेंगे, फर्स्ट इसके हार्ड डिस्क के लॉक लगा देंगे जहाँ से हमने निकाले थे स्क्रूज। उसके बाद सेकंड स्क्रू ये लग गया है। उसके बाद हम इसको कनेक्टर ओपन करेंगे फर्स्ट, उसके बाद हम जो है इसका स्ट्रिप लगाएंगे, थोड़ा क्लीन कर देंगे, ये लग गया है स्ट्रिप। उसके बाद हम कर देंगे इसको लॉक। अभी हम इसमें लगा देंगे इसका बैक कवर, आपको जैसा निकाले थे आप वैसा ही लगाइए। ये हम इसका लगा रहे हैं बैक कवर, ये हमारा बैक कवर लग गया है। उसके बाद हम इसका एक स्क्रू था इधर, हम इसका एक स्क्रू भी लगा देंगे।
तो ये हमारा सेफ साइड पूरा फिक्स हो गया है। अभी हम क्या करने वाले हैं वो, तो ये रहा हमारा पुराना हार्ड ड्राइव, तो अभी हम ये वेस्ट नहीं करेंगे, तो इसके लिए हमने एक कैडी मंगाई है, ये कैडी में ये फिक्स होगा। उसके बाद हम ये डीवीडी निकाल के डीवीडी रोम की जगह ये कैडी लगाएंगे। तो फर्स्ट हम इसका डीवीडी रोम ओपन करेंगे, ये रहा डीवीडी रोम का स्क्रू, उसके बाद यहाँ से आपको प्रेस करना रहेगा। ये हमारा डीवीडी निकल गया है, तो अभी हम क्या करेंगे इसको थोड़ा आगे करके वापस से ये ले लेंगे। ये आपको कंपनी डिफॉल्ट जो है सो इसमें स्क्रूस आते हैं, ये रहा इसका स्क्रू टाइट करने का स्क्रू ड्राइवर, ये रहे इसके स्क्रूस, मैं अभी इसके स्क्रूस निकाल लूँगा। ये आप देख सकते हैं इसके स्क्रूस आते हैं। अभी हम इसमें करने वाले हैं कैडी में हार्ड ड्राइव फिक्स, ये सारा रख के आपको जस्ट अपसाइड प्रेस करना रहेगा। ये प्रेस हो गया है, इसके बाद में जो है सो अभी हम इसमें लगाएंगे बैक साइड के इसके स्क्रूस, जो केसिंग और हार्ड ड्राइव में फिक्सिंग आ जाएगा, आपको कुछ भी रिमूव होने के चांसेस भी नहीं रहेंगे। ये कैडी का भी हमने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं। हमने जो भी लिंक देते हैं आपको डिस्क्रिप्शन में, वो जेन्युइन प्रोडक्ट रहते हैं पूरे, आपको वारंटी में भी उसमें कुछ प्रॉब्लम आएगा नहीं। इन फ्यूचर अगर कभी SSD ख़राब हुई या RAM ख़राब हुई, आप डायरेक्ट सर्विस सेंटर जाके उसको क्लेम कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर ये DVD में एक लॉक रहेगा कैडी लॉक करने के लिए, अभी हम इसको भी निकालेंगे। अभी हम इसको DVD को हटा देंगे, इधर वापस से हम इसका स्क्रू ले लेंगे। यहाँ पर दो होल में दो स्क्रू लगेंगे आपको, ये सेकंड भी स्क्रू आपको लग गया है। अभी क्या बच गया है वो, तो ये इसके अंदर का ये DVD रीडर के ऊपर का कवर रहेगा, यहाँ का आपको कवर करने के लिए, ये स्पेस कवर करने के लिए ये कवर रहेगा आपको। तो अभी हम इसको भी निकालेंगे, तो इसके लिए आपको क्या लेना रहता है, एक सेफ्टी पिन लेना रहेगा लेडीज़ का, ये पतला वाला रहना पड़ेगा आपको। तो इसमें यहाँ होल रहेगा छोटा, आप अंदर डाल के जस्ट प्रेस करते कि आपको ये ओपन हो जाएगा। तो उसके बाद में आपको यहाँ से इसको निकालना है, अभी हम इसको निकालेंगे इधर से, यहाँ से आप लगा के इसको ऊपर उठाते कि इधर का लॉक ओपन हो जाएगा। उसके बाद हम बेसिकली इसको प्रेस करेंगे, फिर ये साइड से भी आप जो है सो नॉर्मली इधर से ओपन हो गया, आपको निकल गया है ये कवर। अभी हम ये कर देंगे बाजू, उसके बाद हम इसमें वापस से फिक्स करेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं। अभी हम इसको लगाएंगे इधर, उसके बाद लगाएंगे इधर, ये हमारा कवर फिक्स हो गया है। अभी हम इसमें लगाएंगे वापस से कैडी, लैपटॉप में फ़िक्स करेंगे। इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो एंड तक ज़रूर देखें हर वीडियो, उसके बाद आप लैपटॉप में वर्क स्टार्ट करें ताकि आपको कुछ प्रॉब्लम ना आए। ये हमारा फिक्स हो गया है, ये रहा बैटरी, हमने बैटरी लगा दी है, अभी हम आपको इधर से बता देंगे एक बार ऑन करके। लैपटॉप भी थोड़ा डस्ट आ गया, हम थोड़ा डस्ट क्लीन कर देंगे फर्स्ट। मैं इसके बायस में जाऊंगा एक बार, F2 इसका बायस की रहेगा, जैसा कि आप देख सकते हैं ये ऑन हो गया है लैपटॉप। अभी हम इसके बायस में जा रहे हैं, ये हमारा बायस आ गया है। अभी हम सिस्टम इंफॉर्मेशन में जा रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 12 GB रैम आ गया है, और ये कोर i3 फिफ्थ जनरेशन का ये लैपटॉप है, 256 GB भी इसमें इंस्टॉल हो गया है। इसी तरह के टेक्निकल रिपेयरिंग, लैपटॉप रिपेयरिंग, SSD रिप्लेसमेंट, कीबोर्ड रिप्लेसमेंट, पैनल रिप्लेसमेंट के लिए आप, अगर आपको देखने का है वीडियोस या कैसा होने का है, आपको चेंजिंग करना है, आप हमारे चैनल पे आइए, वीडियोस वॉच करिए, आपको उसमें हर तरीके के वीडियोस मिलेंगे। अगली वीडियो में मिलते हैं।